शीतल एकदम युवा पत्रकार थी। उसे पुरानी इमारतों और उनके राज बहुत पसंद थे। एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक बहुत बड़ी हवेली के सामने देखा। हवेली एकदम अंधेरे में डूबी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। शीतल ने हवेली के अंदर झांका। उसे लगा जैसे अंदर से कोई बुला रहा है। उसकी नींद खुल गई। शीतल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सपने को भूल जाने की कोशिश की, लेकिन वो भूल नहीं पाई। हवेली की तस्वीर उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के बारे में पता लगाएगी। शीतल, तुम उस हवेली के पास मत जाना, वो जगह खतरनाक है, दादाजी ने चेतावनी दी। वहां जो भी गया वापस नहीं आया। दादाजी, आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। शीतल ने दादाजी को भरोसा दिलाया। उसके मन में डर तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे पता लगाने की इच्छा थी। शीतल ने अपने बैग में एक टॉर्च, एक कैमरा और एक नोटपैड रखा। वो जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा। हवेली में क्या है ये कोई नहीं जानता था। शीतल ने टैक्सी से उस रहस्यमय जगह जाने को कहा। टैक्सी ड्राइवर ने उसे हवेली के पास छोड़ने से मना कर दिया। वो जगह शापित है, उसने कहा। शीतल को पैदल ही हवेली तक जाना पड़ा। हवेली एक ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। दीवार टूटी फूटी थी। शीतल दीवार फांदकर अंदर चली गई। हवेली को देखकर डर लग रहा था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी। दरवाजे सड़े हुए थे। हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। शीतल ने गहरी सांस ली और हवेली के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ी। दरवाजा हल्के से धक्का देने पर ही खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका शीतल के चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर अंधेरा था। शीतल ने अपनी टॉर्च जला ली। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। फर्नीचर धूल से ढका हुआ था। हवा में सन्नाटा था, लेकिन शीतल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। हेलो, कोई है क्या यहां? शीतल ने आवाज दी। उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया। शीतल ने हवेली के कमरों को देखना शुरू कर दिया। हर कमरे में धूल, मकड़ियों के जाले और पुराने सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। अचानक शीतल को एक आवाज सुनाई दी। यह फुसफुसाहट की आवाज थी जो हवा में घुल रही थी। शीतल ने ध्यान से सुना। जाओ यहां से, चले जाओ, आवाज धीरे धीरे आ रही थी। शीतल के रोंगटे खड़े हो गए। शीतल की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। यह एक आदमी की तस्वीर थी। आदमी ने शाही कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह, शीतल ने नाम दोहराया। उसे अपने दादाजी की बात याद आ गई। दादाजी ने बताया था कि राजा विक्रम सिंह इस हवेली के आखिरी मालिक थे। उनकी मौत एक रहस्य थी। कुछ लोगों का कहना था कि उनका कत्ल कर दिया गया था, तो कुछ का कहना था कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों? ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।